सो गाइस, क्या आपने अपने फ़ोन में GB WhatsApp का लेटेस्ट वर्ज़न इंस्टॉल कर लिया है? अगर आप पहले से GB WhatsApp यूज़ करते थे तो क्या आपने अपने पुराने GB WhatsApp के वर्ज़न को लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट कर लिया है? आपको बता दें, GB WhatsApp का लेटेस्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे नए नए फीचर्स इस वर्ज़न में ऐड कर लिए गए हैं, जैसे कि आप अब इस एप्लीकेशन की सहायता से अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए आप अलग से कस्टम प्राइवेसी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़े अपडेट की अगर हम बात करें तो GB WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एक साथ कई सारे मोबाइल नंबर्स को एक ही एप्लीकेशन की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ढेर सारी नई नई थीम्स देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर सकते हैं। हमेशा की तरह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉलेशन के बाद आप देखेंगे लोगो में बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लोगो होता है उसमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं। हाँ, हम अपने हिसाब से चाहें तो लोगो को चेंज कर सकते हैं। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो होम आप देखेंगे इसका कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड दिखता है। इसके अलावा हेडर में आप देखेंगे चैट्स, ग्रुप्स, स्टेटस एंड कॉल्स, ये आपको अलग अलग यहाँ सेपरेट किया हुआ है। ऊपर आप देखेंगे एक से ज़्यादा अकाउंट्स को ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। एरोप्लेन मोड, यहाँ पर आप डार्क मोड, लाइट मोड इनेबल कर सकते हैं। सर्च आइकन आपको साइड में दिखता है और उसके जस्ट लाइट साइड में आप यहाँ पर 3 डॉट्स देख सकते हैं। पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक करेंगे आप तो आप एक साथ कई सारे अकाउंट्स को एक ही एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको एक चेक करा देता हूं। यहां पे मैं क्लिक करता हूं, सेटिंग्स पे जाता हूं। आप थोड़ा नंबर नोटिस करें तो नोटिस कर सकते हैं यहां से। मैं एक बार जब क्लिक करूंगा तो आप यहां पे नंबर देख दीजिए, लास्ट में 111 है। लेकिन यहीं पर जब मैं सेम चीज़ करता हूँ अप्लाई और यहाँ पर मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूँ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मैं दूसरे अकाउंट पर लॉगिन कर गया हूँ। तो यहाँ से सिर्फ मैंने अकाउंट पर लॉगिन मात्र किया है, अभी तक मैंने अपने इस अकाउंट को परमिशन तक नहीं दी है। तो यहाँ पे एक बड़ा आप कह सकते हैं कि अपडेट ये है कि आप एक ही एप्लीकेशन की सहायता से आप एक से ज़्यादा जितने भी चाहें आप उतने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग मोबाइल नंबर से आप अकाउंट्स यहाँ पे चला सकते हैं। तो ये सबसे पहला यहाँ पे मेजर डिफरेंस है जो कि इस वर्ज़न में आपको मिलता है, बाकी के वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर हम क्लिक करेंगे नीचे तो आप प्लस बटन पर जाते हुए प्लस बटन पर जाकर आप यहाँ से एक नया मैसेज या नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो किसी की भी वॉइस यहाँ पर चैटिंग में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये, जब भी हम किसी को ऑडियो मैसेज सेंड करते हैं या हम ऑडियो कॉल करते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी रियल वॉइस में ऑडियो कॉल ना करें या रियल वॉइस में हम ऑडियो मैसेज ना सेंड करें, तो वो हम यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ से वॉइस चेंजर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लॉक कन्वर्सेशन का ऑप्शन मिलता है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर चैट को लॉक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार लॉक करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैट को ओपन करिए, क्लिक करिए और लॉक कन्वर्सेशन पर चले जाइए और यहाँ से क्लिक करके आप पैटर्न, पिन या फिंगरप्रिंट जो भी यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा कि ये आपकी कन्वर्सेशन लॉक हो जाएगी। दोबारा इस कन्वर्सेशन को ओपन करने के लिए आपको ये जो भी आपने सिक्योरिटी पैटर्न फॉलो किया है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी ओपन होगा। साथ ही साथ अगली अगर हम अपडेट की बात करें इसमें क्या होगा, तो यहां पर आप इसको हाइड कर सकते हैं। नॉर्मली ये सभी व्हाट्सएप में होता है, कुछ व्हाट्सएप में सर्च रिजल्ट्स में आ जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको हाइड करते हैं तो हाइड करने के बाद ये सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा। एक बार मैं दोबारा जरा चेक करके देख लेता हूं, चूंकि मैं प्रॉपरली यहां पर सिक्योरिटी दे नहीं पाया था तो मैं यहां से दोबारा से एक बार यहां पर सिक्योरिटी देता हूं और इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर सर्च रिजल्ट्स में आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर यह हाइड प्रॉपरली काम कर रहा है, आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी चैट्स को आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसको हाइड कर लिया है। अब मैं जो ऊपर 3 डॉट्स पे यहाँ पे साइड में क्लिक करूँगा और जो भी मैंने सिक्योरिटी पैटर्न फॉलो किया है उस सिक्योरिटी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। फिर से आपको अनहाइड करना है तो लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से अनहाइड पे क्लिक कर देना है। आपने जो भी पासवर्ड डाला था पहले से उसको डाल के यहाँ से अनहाइड कर लीजिए। और मेजर डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जब आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी का एक आपको अलग से ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप डायरेक्टली लाइव सीन को हाइड करना, एंटी डिलीट मैसेजेस को,
हाइड स्टेटस व्यू, ब्लू टेक्स आफ्टर रिप्लाई, यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीसेट प्राइवेसी का आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे बोला हाइड रिकॉर्डिंग या हाइड रिकॉर्डिंग फॉर ग्रुप्स, यानी जब रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग के दौरान आप ग्रुप्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस में ये है। अगला देखेंगे तो आप सैम मोड्स पे जाएंगे, तो जाने के बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे मैसेज शेड्यूलर, मैसेज ऑटो रिप्लाई एंड ब्रॉडकास्ट टू ग्रुप। यहाँ पर ये तीन सबसे बड़े अपडेट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। आप मैसेज शेड्यूलर से किसी के लिए भी मैसेज भविष्य के लिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ से आप नाम दे दीजिए जिसको भी आपको मैसेज शेड्यूल करना है। आप वहाँ से कोई ग्रुप भी हो सकता है, आप चाहें तो ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से हम चाहें तो जिसको भी मुझे मैसेज शेड्यूल करना है मैं यहाँ से शेड्यूल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मुझे जो भी मैसेज टाइप करना है वो मैसेज टाइप करूंगा, और इसके बाद यहां पे स्टार्ट डेट, यहां पे डेट डालेंगे, और डेट डालने के बाद यहां से आपको ओके कर देना है। और इसके बाद आप देखेंगे यहां पे तो नीचे आपको यहाँ पे टाइमर दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक बार सिर्फ शेड्यूल करना है या आपको बार बार करना है तो यहाँ से आप ऐड करके ओके कर सकते हैं। यहाँ से आपको टाइमिंग डालना ज़रूरी है, आप यहाँ टाइमिंग डाल दी और इसके बाद आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके द्वारा शेड्यूल्ड मैसेज यहाँ पर ऑटो शेड्यूल हो जाएगा और जब भी आप चाहेंगे ये सेंड हो भी जाएगा। अगला अपडेट जो सबसे बड़ा वो ये है कि आप इसी हिसाब से सहायता से किसी को भी मैसेज ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी ने भी आपको मैसेज सेंड किया और उस समय आपने मैसेज को अटेंड नहीं कर पाए, आप एक पर्टिकुलर यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। मैं आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए आप अगर ऑटो रिप्लाई सेट करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट पर जाइए और यहाँ से आपको क्या आंसर करना है, शुड बी आंसर्ड में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है हाय। हाय अगर कोई सेंड करता है तो आप क्या आंसर उसका भेजेंगे, हेलो। और इसके बाद यहाँ पे डिले इन सेकेंड्स, यानी अगर 10 सेकेंड तक मैं खुद एसएमएस का जवाब ना दे पाऊँ तो ऑटोमेटिक ये हाय का मैसेज का आंसर हेलो करके सेंड कर देगा। ये काम जो करेगा ये बोथ ग्रुप्स एंड कॉन्टैक्ट्स दोनों के लिए करेगा, या केवल आप ग्रुप या कॉन्टैक्ट्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े अपडेट्स हैं, इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिलहाल हम यहाँ पर शॉर्ट वे में इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली जीबी सेटिंग्स पे जाएंगे तो जो आपको पहले के और नॉर्मल ऑप्शंस रहते हैं वो मिल जाएंगे आपको। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप जाकर देखेंगे हाउ टू फिक्स्ड, तो कुछ तो ट्विटर्स के यहाँ पर लिंक हैं जिन पर क्लिक करके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचेंगे। बाकी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फ्री लास्ट सीन करना, आप यहाँ पर और स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी से लेकर के आप सिक्योरिटी को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप ऐप लॉक के तौर पर आप फिंगरप्रिंट, आप चाहें तो पिन या पैटर्न का यूज़ करिए। और यहाँ पर बैकग्राउंड में जब आप सिक्योरिटी इनेबल करेंगे तो बैकग्राउंड में कैसा रहेगा, पैटर्न विजिबल रहेगा नहीं विजिबल रहेगा, और आप यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाकर देखेंगे तो जीबी थीम्स में जाएंगे, आपको यहाँ से डाउनलोड थीम्स पे जाकर आप अनलिमिटेड थीम्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो भी थीम अच्छी लगे यहाँ पे क्लिक करके ओके करके आपको थीम को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो होगा क्या, वो थीम हो जाएगी डाउनलोड, और डाउनलोड होने के बाद वो थीम अप्लाई हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे थीम अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मुझे चाहता हूँ कि जहाँ पे जीबी व्हाट्सएप लिख के आ रहा है वहाँ पे मेरा नाम लिख के आने लगे तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए हमें क्या करना है तो एक बार हम उसके लिए देखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ से देखेंगे, आप ऊपर थ्री डॉट्स दिखाई दे रहा है, आप थ्री डॉट्स पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको जाना कहाँ, आपको जाना है जीबी सेटिंग्स पे, और जैसे आप जीबी सेटिंग्स पे जाएंगे एक बार फिर से क्लिक करेंगे, जीबी सेटिंग्स पे जाएंगे। जीबी सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना कहाँ है, आपको अगर वहाँ पे जीबी सेटिंग्स यहाँ पे लिख के आ रहा था आपको नाम चेंज या जीबी की जगह पे नाम चेंज करना है तो आप होम स्क्रीन पे जाकर आपको हेडर पे जाना है, और हेडर में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपको सेट माई नेम दिखाई दे रहा है, आपको इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद चूंकि मैंने नाम सिर्फ एस डाला हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पे एस दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो हेडर में भी आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे चाहें आप ऊपर का पोर्शन आप वैसे आप चाहेंगे वहां पे वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, आप एक साथ कई सारे अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं किसी भी मैसेज का, अगर आप जवाब ना दें तो सिस्टम खुद जनरेट करके दे देगा। साथ ही साथ आप मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें कस्टम प्राइवेसी को यूज़ कर सकते हैं। कस्टम प्राइवेसी के लिए हम किसी भी ऐप को यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कस्टम प्राइवेसी, आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर हाइड ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई से लेकर के हाइड ब्लू टिक्स, हाइड सेकेंड टिक्स, और यहाँ पर कस्टमाइज कर आप यहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के जिसमें मैंने आपको बता भी दिया है। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंसेस आपको इस वर्जन में देखने को मिल जाते हैं जो कि जीबी के दूसरे वर्जन से उन पर नहीं मिलते।
अब लास्ट में अगर हम ये बात करें कि GB WhatsApp यूज़ करना कितना सेफ़ है, अगर हम GB WhatsApp को इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, क्या डेटा हमारा हैक हो जाएगा। पर्सनली अगर मैं खुद अपना ओपिनियन दूं तो पिछले 4 या 5 सालों से मैं खुद ही GB WhatsApp यूज़ कर रहा हूं और अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं आया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो इसको यूज़ करता हूँ और मैं इसके फीचर्स का लाभ भी ले रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक।